दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना संकट के इस दौर में बेजुबान जानवरों पर मानो आफत का पहाड़ टूट पड़ा हो। इन बेजुबान पशु पक्षी और जानवरों के लिए आज सोचने वाला कोई नहीं। सबसे ज्यादा अगर असर पड़ रहा है तो इस संकट की घड़ी में इन बेजुबान जानवरों और पशु पक्षियों पर, जो यह बोल भी नहीं सकते कि उन्हें भूख लगी है। कई जगहों पर तो भूखे बेजुबान लवारिस जानवरों की मौत हो रही है। पूरे गया में कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संकट की इस घड़ी में लोगों को कच्चा राशन बांटा जा रहा है, लेकिन बेजुबान जानवर सुनी आंखों से आते जाते लोगों को चुपचाप देखते रहते हैं। शायद कोई मसीहा इनके लिए भी कुछ खाने को दे जाता। ऐसी संकट की घड़ी में एक व्यक्ति निकल पड़ा है इन बेजुबान जानवरों की भूख की पीड़ा को मिटाने के लिए। अपने घर में पत्नी के साथ मिलकर लिट्टी और रोटी बनाता है और स्वयं झोले में लेकर निकल पड़ता है कुत्ते, बकरियां, बिल्ली और ऐसे कई बेजुबान जानवरों की तलाश में। अब तो इस व्यक्ति को कुत्ते देखकर घेर लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से यह व्यक्ति बेजुबान जानवरों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर पहुंचता है। गया के डेला थाना क्षेत्र के रहने वाले रामजीत और रामजी यादव इन दिनों एक दो दिन बीच कर बेजुबान जानवरों के लिए रोटी और कुछ खाने के सामान लेकर निकलते हैं बांटने के लिए। रामजीत यादव बताते हैं कि आते जाते जब भी इन बेजुबान जानवरों पर निगाहें पड़ती है तो इनकी सुनी आंखों को देखकर मुझे हृदय से पीड़ा होती थी। मुझे रहा नहीं गया और यह ठान लिया कि इन्हें भी जो भी मेरी शक्ति होगी उसके हिसाब से कुछ खाने की व्यवस्था करेंगे, और यह सिलसिला रामजीत यादव ने शुरू किया। आज कोरोना महासंकट की घड़ी में आवश्यकता है बेजुबान जानवरों के लिए भी इंसानों द्वारा कुछ करने की, क्योंकि ये बेजुबान जानवर इंसानों की बदौलत ही इनके आसपास ही रहकर इनकी पेट की आग बुझती है। ऐसे में इंसानों को भी पशु पक्षियों और बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। आज की परिस्थिति में जो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, ये देखते हुए इंसान तो इंसान जानवरों में भी बहुत भुखमरी का स्थिति है। देखा कि बकरी को, बिलाई को, कुत्ता को कोई देखने वाला नहीं है इस सन्नाटा में, तो कुछ अपने ही हाथों से घर से बना के लिट्टी रोटी लोग कुछ खिलाने का काम किया करते हैं। जब तक ये चलेगा हम भी चलाते रहेंगे। क्या सरकार की क्या व्यवस्था जानवरों के लिए या क्या है? सरकार तो अपने इतना परेशान है कि एक एक जनता अगर अपने ऊपर भी कुछ भार नहीं लेता है तो सरकार अकेले क्या करेगी। इसलिए हम आम जनता से भी आग्रह करेंगे कि सरकार के साथ हाथ मिला के आगे चलें, ताकि इस रोग को भगाने में सरकार और आप दोनों सक्षम हों। जानवरों को करने के लिए हम गए थे दवा लाने के लिए, बाज़ार से दवा लेके आ रहे थे तो कटारी पुल के पास देखा कि 50 कुत्ते उदास टाइप में बैठे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि ये लोग के सामने क्या परिस्थिति है, क्या सोच रहा है। ऐसा नहीं सोच रहा हो कि अब इंसान यहाँ रहा ही नहीं, नगर निगम वाले साहब इंसाने को ले गए, हम लोग को छोड़ दिया है। इस परिस्थिति में दिमाग में बैठा कि नहीं, लोग को कुछ खिलाना चाहिए। तो पहले दिन तो इन लोग को पाव रोटी वगैरह खिलाया उलाया, फिर घर से रोटी बनवा उनवा के ले गया, लिट्टी उट्टी था उसका व्यवस्था किए थे।